हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपके फिफ्थ क्लास का आपका चैप्टर 11 है, पोल्यूशन कंट्रोल। सब्जेक्ट एसएसटी है। तो हम पोल्यूशन को कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लास्ट चैप्टर में भी हमने कुछ पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं पोल्यूशन को। तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू स्टडी अबाउट द कॉजेज एंड इफेक्ट। कॉजेज और इफेक्ट पढ़े थे हमने, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल एंड नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले है एयर पोल्यूशन। एयर जो है मोस्टली कास्ट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल और पेट्रोलियम, जो फैक्ट्रीज या कार का धुआं जो होता है, घर पे धुआं, ये सब होते हैं कॉजेज पोल्यूशन से। अब इसके वेज कौन से हैं कंट्रोल करने के, वे टू कंट्रोल पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू, हमें पहले हमें कंट्रोल करना चाहिए कंट्रोल रूल। फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स कैन नॉट रिलीज मोर देन परिमिमल क्वांटिटी ऑफ स्मोक। फैक्ट्री और जो है मोटर व्हीकल हैं, वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें रिलीज नहीं करना चाहिए स्मोक। रेगुलर चेक करना चाहिए और नेसेसरी हमें फैक्ट्रीज और व्हीकल्स को रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी और पावर जो है, जैसे विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी कैन हेल्प टू कंट्रोलिंग पोल्यूशन। इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जैसे एनर्जी एंड पावर, विंड, वाटर और सोलर एनर्जी हो गया, वो हमारी हेल्प करती हैं, कि हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें। उसके बाद है योर रोल टू प्ले, वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एट होम। मेन कॉज जो है एयर पोल्यूशन का घर पे, इस किचन स्मोक, जो किचन में जो धुआं होता है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल, हम कोल यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, उसके जो एनकरेज पीपल टू यूज़ गोबर गैस और एलपीजी, हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए या तो वो गोबर गैस यूज़ करें या एलपीजी यूज़ करें। रिमाइंड योर पेरेंट्स टू गेट देयर व्हीकल्स टेस्टेड टू रिसीव द पोल्यूशन, हमें अपने पेरेंट्स को रिलाइज करवाना चाहिए कि उनको पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए है पोल्यूशन कंट्रोल। उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए एवरी 3 मंथ्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सॉइल पोल्यूशन। अब सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, यू नो दैट सॉइल इज मेनली पोल्यूटेड बाय डिस्पोजल आर वेस्ट ऑन द सॉइल। अब सॉइल पोल्यूशन होता है मेनली होता है जो अपने डिस्पोजल फेंके होते हैं, बॉटल्स हो गई या फूड हो गया जो बच जाता है, सब्जियां जो आप ख़राब हो जाती हैं, या प्लास्टिक ग्लास हो गए, मेटल ऑब्जेक्ट हो गए, बॉटल्स हो गई, जो सारा डिस्पोज्ड आप फैक्ट्री से बाहर रख के फेंकते हो, जो पेस्टिसाइड्स आप यूज़ करते हो एग्रीकल्चर में, इनसे सबसे पोल्यूशन होता है। जैसे पील्स हो गए, पेपर हो गए, लेफ्ट ओवर फूड हो गया, आपने जो सारा कुछ, ये सारा एब्जॉर्ब होता है मिट्टी में। इससे जो है द वेस्ट आर रिसाइकल इन नेचर, ये सारा जो है नेचर में रिसाइकल हो जाता है। जैसे सच वेस्ट डू नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, लेकिन कुछ वेस्ट जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता है और उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। जो अदर वेस्ट है जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, ग्लास एक्स्ट्रा, वो कभी भी टूटता नहीं है और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ये वेस्ट जो होता है वो हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन। फर्टिलिटी जो सॉइल है, अगर ज़मीन जो है हमारी सॉइल अच्छी नहीं है तो इससे सॉइल इरोजन होता है, पानी जो है वो जल्दी मूव हो जाता है और इसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। इट रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो सॉइल में उपजाऊ होती है उसको ख़त्म कर देता है। उसके साथ है इसके वेज कौन से होते हैं, एक तो हमें ग्रोइंग प्लांट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ सॉइल कंट्रोल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट जो है वो ग्रोइंग करने चाहिए, जैसे ग्रास ट्रीज और अदर प्लांट जो हैं प्लांटेड इन एरिया वेयर द सॉइल इज़ बींग वॉश्ड बाई रेन और एनी अदर मैथड, हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जहाँ पे हमें पता है कि बारिश के आने के बाद जो है पानी जो है वो सारा यहाँ से वॉश हो जाता है सॉइल। उसके बाद फार्मर प्लांट्स रोज ऑफ ट्रीज नेक्स्ट टू देयर फील्ड टू स्टॉप द विंड फ्रॉम ब्लोइंग द सॉइल, हमें वहाँ पे ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए जहाँ पे हम विंड को रोक सकते हैं। उसके बाद हमारा रोल क्या है, हमें अपना रोल, नेक्स्ट हमारा है योर रोल टू प्ले, हमारा क्या रोल है प्ले।
रिड्यूस ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक बैग. एक तो हमें रिड्यूस करना चाहिए प्लास्टिक बैग को, जैसे यूट आर पेपर बैग. हमें यूज़ अ पेपर बैग यूज़ करने चाहिए. प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो थ्रोन केयरफुली, हमें ध्यान से फेंकने चाहिए. कैन क्लॉग ड्रेन एंड चोक एनिमल्स विच ईट ग्रास आर वॉर्म्स इन द ग्राउंड कंटेनिंग रिमेन्स ऑफ प्लास्टिक. इफ प्लास्टिक्स आर यूज रिमेंबर टू डिस्पोज देम केयरफुली. हमें उनको केयरफुली ध्यान से डिस्पोज करना चाहिए. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन. अब नॉइज पोल्यूशन जो है वो कैसे होता है, आपका यहाँ पे ये भी है, लैंडफिल भी है. ये देख सकते हो आप वेस्ट कौन से डिस्पोज करने के, इसको हम कैसे लैंडफिल जो ऐसे ही फेंका हुआ है. ये डीप हमें किसी ऐसी जगह पे फेंक डंप करना चाहिए जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कवर्ड हो जाए नीचे ज़मीन के अंदर. ओवर द ईयर गार्बेज इज द लैंडफिल रॉट absorbed by the soil. It is important to remember that all kind of waste are not absorbed by the soil. अब हर टाइप की जो वेस्ट है वो हमारी जो सॉइल होती है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है. ओपन डंपिंग ये ऐसा वेस्ट है फॉर अवे फ्रॉम द टाउन्स एंड सिटीज़. ये हमें टाउन्स और सिटीज से बहुत ज़्यादा दूर जो है हमें फेंकना चाहिए या एक्सपोज करना चाहिए. द पाइल्स ऑफ गार्बेज रूट एंड आर ग्रेजुअली एब्जॉर्ब इन टू द सॉयल. बर्निंग नेक्स्ट, हमें जला देना चाहिए. इसमें सिंपली है जो घर का वेस्ट होता है हमें कलेक्ट करना चाहिए और उसको जला देना चाहिए. जो पेपर हो गए किचन में मेटल्स ग्लास वेस्ट ये सब कुछ जो है. उसके बाद है नॉइज़ पोल्यूशन. अब सबसे पहले नॉइज़ पोल्यूशन आपको दिख ही रहा है साइड पे. नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है बिग सिटीज़ में. सबसे ज़्यादा होता है ये होता है जो गाड़ियों का धुआं वगैरह या गाड़ियों की साउंड जो होती है या म्यूज़िक की कहीं साउंड होगी, किसी ज़ोर ज़ोर से लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं, इससे सबसे है जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन होता है. इसके वेज कौन से हैं कंट्रोल करने के, एक तो ये है कि हमें रिकॉर्डिंग द पब्लिक यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर. पब्लिक को लाउड स्पीकर यूज़ करने चाहिए, हमें उनको अलाउ करना चाहिए कि ओनली विद इन द सर्टन टाइम ऑफ द डे वी कैन कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन. हमें कुछ टाइम के लिए दिन में जो है नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए. कुछ रूल्स जो हैं इसके रिलेटेड हमें फॉलो करने चाहिए. उसके बाद है नॉइज़ पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स कैन रिड्यूस बाय इंश्योरिंग दैट वी स्टॉप अननेसेसरी honking and maintaining silence is no horn zone such as hospital. हमें तो ये hospitals and traffic crossing, हमें सबसे पहले तो ये मानना चाहिए कि हमें कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हमने horn बजाना जो है वो reduce करना चाहिए. hospital, school और traffic crossing में वहाँ पर हमें कभी भी horn जो है वो नहीं बजाना चाहिए. इससे जो है हॉस्पिटल में कोई बीमार होगा, स्कूल में कोई पढ़ रहा होगा या ट्रैफिक में कोई क्रॉस कर रहा होगा तो इसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है. हमारा क्या रोल है इसमें, कीप द वॉल्यूम लो. हम वॉल्यूम को लो करेंगे. उसके बाद डू नॉट प्ले म्यूज़िक लाउडली, हम ज़्यादा म्यूज़िक जो है लाउडली प्ले नहीं करेंगे. वन यूजिंग मशीन्स आर टूल्स दैट मेक्स लाउड नॉइज. जब हम कोई मशीन या कोई टूल यूज़ करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, हमें ध्यान से हाउ इट मे अफेक्ट दोज अराउंड यू, हमें ये देखना चाहिए कि दूसरों पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है. उसके बाद वाटर पोल्यूशन है. वाटर पोल्यूशन जो है वो आपको सिंपली दिख ही रहा है जहाँ पे आप गंदा पानी या ऑयल पॉइजनस कुछ केमिकल्स जो हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं एक जगह पे. उसके बाद फार्मर जो है वही केमिकल यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र सीप इनटू द ग्राउंड. उससे जो क्या होता है हमारा ग्राउंड का जो वाटर है वो हमारे लिए अनफिट है ड्रिंक करने के लिए. वे टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन. अब ऐसे कौन से वेज हैं जिससे हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन रिड्यूस वाटर पोल्यूशन बाय नॉट डंपिंग गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज. वी कैन हम रिड्यूस कर सकते हैं वाटर को, डू नॉट डंपिंग गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज. उसके बाद सवेज इन समथिंग डायरेक्टली डंप्ड इनटू रिवर विदाउट ट्रीटमेंट. उसके बाद है डंपिंग योर रोल. हमारा रोल क्या है, अब हमारा वी कैन रिड्यूस वाटर बाय नॉट डंपिंग गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज.
हमारा रोल, यूज़ ओनली मच वाटर एज यू नीड, हमें उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है। चेक ऑल फैकट्स पाइप्स एंड टॉयलेट्स फॉर लीक, हमें सारी पाइप्स टॉयलेट्स और टंकी जो होगी कुछ भी हो गया वो हमें डेली चेक करनी चाहिए कहीं से लीक तो नहीं हो रही है। उसके बाद टेक शॉर्ट बाथ एंड अवॉइड लॉन्ग शॉवर, हमें तो एक तो हमें क्या करना चाहिए, टेक शॉर्ट बाथ, हमें कम पानी यूज़ करना नहाने के टाइम, और हमें लंबे समय के लिए शॉवर का यूज़ नहीं करना चाहिए। टर्न ऑफ द वाटर बाइंड ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग, हमें पानी जो है ब्रशिंग टाइम जो है हमें बंद करना चाहिए, उसके बाद जब तक योर वॉशिंग, जब तक आप ब्रश कर रहे हो, टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग। इन योर गार्डन यूज स्प्रिंकल टू वाटर प्लांट सो दैट दे डू नॉट द वाटर द साइड वॉक और स्ट्रीट, डू नॉट वाटर ऑन कूल रेनी और विंडी डेज, हमें वाटर जो है वो डू नॉट कूल रेनी और विंडी डेज, यूज़ अ बकेट इंस्टेड ऑफ होस टू वॉश योर कार, हमें अपनी कार धोने के लिए भी हमें किसका बकेट का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है रिड्यूसिंग वेस्ट, अब वेस्ट को कैसे रिड्यूस करें, द क्वान्टिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय अस एट होम, हम कैसे कर सकते हैं, स्कूल होम ऑफिस एंड फैक्ट्रीज इन इंक्रीजिंग, एक दिन बाय दिन जो है वो बढ़ रही हैं। अब ये जो डिस्पोजल हैज़ बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम एंड इफ़ दे आर नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली आवर इन्वायरमेंट गेट्स पोल्यूटेड, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो गंदा हो रहा है। टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज़ द आइडिया ऑफ द थ्री, अब हम तीन आइडिया जो हैं जैसे थ्री आर्ट्स स्टैंड फॉर रिड्यूस री यूज एंड रिसाइकल, दे आर द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन टूडे, कंजर्वेशन टूडे द थ्री आर्ट्स आर ईजी तो इनफ टू प्रैक्टिस हियर इट बट यू कैन डू। उसके बाद हमारा है रिड्यूस, हम रिड्यूस कैसे करेंगे, बाय ओनली बट यू नीड, आप वही चीज़ खरीदो जिसकी आपको ज़रूरत है एंड मेक श्योर यू यूज़ इट ए फुलेस्ट बिफोर थ्रो इट अवे, आप उसको वैसे ही उतनी चीज़ खरीदनी है आपको जितनी आपको ज़रूरत है, आप उसका फुलेस्ट यूज़ कर लो उसके बाद इसको, एंड क्रिएट मोर वेस्ट व्हेन यू बाय मेक श्योर दैट द पैकेजिंग इज़ मेड इन इको फ्रेंडली वे। उसके बाद है बाय प्रोडक्ट मेड फ्रॉम रिसाइकल गुड्स आर एज पॉसिबल, ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जिनका हम रिसाइकल कर सकें। उसके बाद है रीयूज प्लास्टिक बैग्स व्हेन यू बाय आइटम, उनको रिफ्यूज़ करो जब आप पैकेट कुछ ले लेते हो प्लास्टिक के आइटम्स, इफ़ यू आर बाइंग जस्ट वन आर टू आइटम आर यू रीयूजेबल बैग, अगर आप कुछ दो या तीन आइटम जो है उनको बाय कर लेते हो खरीद लेते हो तो यू रीयूजेबल बैग्स, इफ़ एट ऑल यू नीड टू यूज़ प्लास्टिक बैग, अगर आपको प्लास्टिक बैग की ज़रूरत है तो सेंड देम बैक टू अ रिसाइकलिंग सेंटर, तो उसके बाद आपको उनको रिसाइकलिंग सेंटर में भेजना है। रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स, आपने अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करनी है टू एक्सेप्ट ऑल द बिल्स, सारे बिल जो हैं आपने पे करने, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, या थ्रू ईमेल्स, दिस रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेपर, ये सारे पेपर जो होंगे वो इससे कम हो जाएंगे। उसके बाद रीयूज़, अब रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, देयर आर वेरियस आर्टिकल, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जैसे प्लास्टिक कप प्लेट्स यूटेंसिल एक्स्ट्रा, रीयूज़ दीज आइटम, इन आइटम को हम रीयूज़ कर सकते हैं, दे मे नॉट कॉस्ट मच टू रिप्लेस, हमें इन्हें रिप्लेस में ज़्यादा कॉस्ट नहीं मिलेगी, बट रीयूजिंग विल श्योरली बेनिफिट द इन्वायरमेंट, इससे हमारे रीयूज़ करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट को बेनिफिट होगा। व्हेन यू डिसाइड टू रिप्लेस योर हाउस होल्ड आइटम आर इवन क्लॉथ्स बुक्स एंड टॉयज, कंसीडर डोनेटिंग दैम सो दैट दे कैन बी यूज फर्दर फॉर दोज हु डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय दैम, इससे हमारी इनफ मनी जो है वो हम बाय नहीं कर सकते इसके लिए। उसके बाद है वी ऑफन गेट गिफ्ट रैप्ड इन पेपर, री यूज़ द गिफ्ट रैपिंग पेपर, हम जो गिफ्ट रैपिंग पेपर होते हैं उनको हम री यूज़ कर सकते हैं। पेपर इज़ मेड बाय कटिंग डाउन ट्रीज, कंजर्व पेपर बाय यूजिंग बोथ साइड ऑफ पेपर एंड यूजिंग
अनयूज्ड स्पेस इन योर नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। उसके बाद है रिसाइकल। रिसाइकल यूज मोस्टली दोज प्रोडक्ट विच आर मेड फ्रॉम रिसाइकल मटेरियल। ऐसे प्रोडक्ट आप खरीदो जो ईजिली जो है वो रिसाइकल हो जाए उनके। उसके बाद है मेक श्योर यू सेपरेट रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल वाइल डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट। अब रिसाइकल मेक श्योर यू सेपरेट। अब रिसाइकल जो हो सकते हैं या जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको आप अलग रखें। सेल द रिसाइकलेबल मटेरियल टू कबाड़ी वाला। अब सेल जो रिसाइकल हो सकता है मटेरियल उनको आप कबाड़ी वाले जो आते हैं उनको देना है। ये हमारा चैप्टर था। नेक्स्ट हमारे हैं टिक द करेक्ट आंसर है इसके। उसके बाद फिलअप है एंड क्वेश्चन आंसर है आपके। थैंक यू क्लास।